तो ये आपका संधि डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। चलो बताओ यड़ संधि, हाँ यड़ संधि का होगा या वा और रा, है ना। या कैसे बनेगा? नहीं, या जो बनेगा छोटी ई या बड़ी ई के साथ आसमान स्वर आने पर, है ना। वा कैसे बनेगा? ऊ या बड़ा ऊ के साथ आसमान स्वर आने पर। रा कैसे बनेगा? री के साथ आसमान स्वर आने पर, है ना। क्लियर। जैसे हम पूछ लें आपका स्वच्छ, स्वच्छ तो स्वच्छ को आप ब्रेक करोगे सुधन अच्छ, है ना। हाँ तो छोटा ऊ धन आ और ये बन गया वा स्वच्छ। तो स्वच्छ में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अच्छा अयादि संधि कैसे बनेगी? हाँ अयाद संधि जिसमें अय विकार होने पर अय बने, आय बने, औ बने और औ। चलो बताओ अय कैसे बनेगा? या के साथ अगर कोई आसमान स्वर आएगा तो अय बनेगा। नहीं, ए के साथ अगर कोई आसमान स्वर आएगा तो अय बनेगा। अय के साथ कोई, हाँ ए, ए फॉर, है ना, ए फॉर एडी वाला, तो ए के साथ आसमान स्वर आएगा तो अय बनेगा। अय के साथ कोई आसमान स्वर आएगा तो आय बनेगा। ओ के साथ कोई आसमान स्वर आएगा तो औ बनेगा, और औ के साथ कोई आसमान स्वर आएगा तो आओ बनेगा। तो क्लियर है ना। चलिए अब बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, है ना। चलिए आकाश, आकाश ठीक। चलो दिवाकर आप बताओ। चलिए आप बताइए श्रवण, है ना, श्रवण, श्रवण, हाँ देखो श्रवण वा बन रहा है ना, औ बन रहा है, स्रव श्रवण ऐसे श्रवण, तो श्रोधन अड़, है ना, श्रोधन अड़ बन रहा है। चलो आप बता, एक और बता दीजिए आप, पावक, हाँ पौधन, अक चूंकि आव बन रहा है तो आव का मतलब औ के साथ में आसमान स्वर, तो पौधन अक हो गया पावक। चलो आप बता दो अमन, नयन, नयन नव कैसे होगा? देखो नयन आय, हाँ गुड, नेधन अन नयन। चलो आप बताओ भाई, आप बता दीजिए वध्वागमन, है ना, वध्वागमन, हाँ वध, नहीं वध्वागमन, यहाँ वा बन रहा है, वा बन रहा है मतलब कौन सी संधि, नहीं वा बन रहा है केवल वध्वा, वध्वागमन, है ना। तो यहाँ पर वा बन रहा है, विकार वा हो रहा है, वा का मतलब यड़ संधि, और यड़ में वा कैसे बनेगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ आसमान स्वर आएगा, तो वध्वागमन का वधु धन आगमन मतलब वधु का आगमन। क्लियर है ना, समझ पाए? चलो भैया आप बता दो, आप बता दीजिए जो है सदैव, सदा धन एव, कौन सी संधि है ये? नहीं सदैव, सदैव आयो बन रहा है, और आयो किस में आता है? वृद्धि संधि, है ना। तो सदा धन एव ये हो जाएगा सदैव वृद्धि संधि। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, आप बता दीजिए महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी। क्लियर हुआ।